इन दिनों कई भारतीय खिलाड़ियों के चेहरों पर गुलाबी टेंशन है। जी हाँ, इसकी वजह है गुलाबी गेंदें जिनका इस्तेमाल किया जाएगा 22 तारीख से शुरू होने वाले मुकाबले में। ईडन गार्डन पर यह मुकाबला खेला जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच में दोनों टीमें पहली बार गुलाबी गेंदों का सामना करेंगी। और गुलाबी गेंदें क्योंकि खासकर शुरुआती ओवरों में बहुत ज़्यादा स्विंग होती हैं, अगर आप अपनी गति अपने दिशा पर नियंत्रण रखते हैं तो निश्चित तौर पर ये खासकर बहुत ज़्यादा स्विंग होती है बॉल, और इस पर बल्लेबाजों के लिए बहुत ही चुनौती रहती है। और वहीं ये गेंद जो है, क्योंकि इस पर जो पॉलिश की जो लेयर है, अतिरिक्त पॉलिश की लेयर होने की वजह से बाद में रफ नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये गेंद रिवर्स स्विंग बहुत कम होती है या लगभग ना के बराबर होती है। और बाद में जो फिंगर स्पिनर्स होते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि गेंद को ग्रिप बनाने में दिक्कत आती है। इस लिहाज से रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी और आर अश्विन, ये कुछ तीन खिलाड़ी हैं भारतीय टीम में जिनके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाली है गुलाबी गेंद। रोहित शर्मा के लिए इसलिए क्योंकि रोहित शर्मा के लिए शुरुआती ओवरों की जो स्विंग है वो हमेशा से चुनौतीपूर्ण रही है, और जब गेंदें अंदर की तरफ आती हैं, अंदर की तरफ कटकर या स्विंग होकर आती हैं तो उन्हें एक थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन एक बार जब उनका हिटमैन का बल्ला जब टिक जाता है क्रीज के ऊपर तो फिर उनको उखाड़ना बहुत मुश्किल हो पाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अभी पिछले मैच में मुस्ताफिजुर रहमान नहीं खेले थे, और यदि वो आ जाते हैं तो वो बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज हैं, और बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज जो स्विंग के फनकार होते हैं वो एक अबूझ पहेली साबित होते हैं रोहित शर्मा के लिए। और दूसरा, जब गुलाबी गेंदें खासकर स्लोअर अंदाज में फेंकी जाती हैं तो आमतौर पर देखा गया है कि वाइड बॉल भी परेशान करती है खासकर रोहित शर्मा को, या तो वो मिड ऑफ की तरफ या मिड ऑन की तरफ शॉट खेल देते हैं और गेंद को ज़मीन पर नहीं रख पाते, सतह पर नहीं रख पाते, जिसकी वजह से कैच उछलता है। और ये भी उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है स्विंग के साथ साथ, कि अगर ऐसी गेंदें अगर बीच बीच में स्लोअर फेंकी जाएँ, और क्योंकि टीम आगे बांग्लादेश है और अगर आने वाले समय में और अच्छी टीमें आएंगी और तगड़ी टीमें आएंगी तो वो उनके लिए और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसका भी उन्हें एक माकूल जवाब देना है। अगर बात करें मोहम्मद शमी की तो शमी ने अपने हालिया प्रदर्शन से बहुत प्रभावित किया है, और पिछले दो वर्षों में तो उनका प्रदर्शन हैरतअंगेज रहा है। 15 के आसपास का उनका औसत है, स्ट्राइक रेट बहुत ज़बरदस्त है, और हर 34 गेंद के बाद उनको एक विकेट मिलता है। और अपने घर में कोई भी तेज़ गेंदबाज अगर देखें दुनिया का तो वो शमी से बेहतर स्ट्राइक रेट से गेंदबाजी नहीं कर पाया है। तो लेकिन अब जो है गेंद रिवर्स स्विंग होगी, और रिवर्स स्विंग होगी या नहीं होगी ये भी एक अबूझ पहेली है, क्योंकि यहाँ गेंद इतनी आसानी के साथ एक तरफ की शाइन नहीं खोती, और यदि यहाँ पर गेंद भारी नहीं होती, एक तरफ का हिस्सा उसका भारी नहीं आता तो निश्चित तौर पर उनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है रिवर्स स्विंग कराने के लिए। तो उनके एक तरकश में एक तीर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस चुनौती का वो कैसे सामना करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। और अगर बात हम करें आर अश्विन की तो आर अश्विन उंगलियों से बहुत अच्छे तरीके से फिंगर स्पिनर हैं, बहुत अच्छे तरीके से गेंद को स्पिन कराते हैं, लेकिन यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि वो कैसे ओस से जो गेंद शाम के समय में गिली होती है उसका कितना कैसे सामना कर पाते हैं। फिंगर स्पिनर्स के लिए वास्तव में बहुत परेशानी है। हालांकि मैच 1 बजे शुरू होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, जो कुछ है आखिरी ओवरों में तेज़ गेंदबाजों से काम चलाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें कुलदीप यादव की ताकत का अंदाज़ा रखना होगा, क्योंकि कुलदीप यादव ने दिलीप ट्रॉफी में जो कि पिंक बॉलों का इस्तेमाल किया गया था 2 वर्ष पहले, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी और करीब करीब सभी बल्लेबाजों को उन्होंने चौंकाया था अपनी गेंदबाजी से। तो यहाँ एक सुनहरा अवसर है कि यहाँ आर अश्विन की जगह पर अवसर अगर दिया जाता है कुलदीप यादव को तो एक ये बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि जडेजा वैसे भी बल्लेबाजी के फनकार हैं, बल्लेबाजी में बहुत रन बना रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में उनका औसत भी 70 के आसपास पहुंच गया है, जो एक स्थापित बल्लेबाज से भी कहीं अच्छा है। तो जाहिर सी बात है कि ये अश्विन के लिए, शमी के लिए और रोहित शर्मा के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है, और क्योंकि इन खिलाड़ियों में बहुत कुव्वत है, बहुत क्षमताएँ हैं, अब इन्हें वक्त आ गया है एक माकूल जवाब देने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।